एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है के चैप्टर 2 बापू की कुटिया में के अभ्यास कार्य को लेकर आए हैं। ये वीडियो बापू की कुटिया में अभ्यास कार्य का भाग एक है। इसमें हम कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे और इसके पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक कहाँ बैठा है, सिरहाने, पायताने, बीच में या नीचे। हमने पढ़ा था कि लेखक पायताने बैठे हुए थे। कौन थे वो? राम वृक्ष बेनीपुरी। सेकेंड क्वेश्चन है, ओ बिस्तर, इसमें भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है सफाई, सेकंड सादगी, ग खुशी या घ गलती। तो इसका आंसर होगा सादगी। थर्ड क्वेश्चन है, शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है, क चिकना, ख मुलायम, ग खुरदरा या घ उबड़ खाबड़। तो हमने पढ़ा था कि सेल्फ के ऊपर जो पत्थर रखा था वो उबड़ खाबड़ है, जिसे गांधी जी पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे, पेपर के ऊपर रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है, क प्रेम ही भगवान है, ख हे राम, ग सत्य अहिंसा या घ ईश्वर एक है। तो चिकने पत्थर पर लिखा था क प्रेम ही भगवान है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बापू की कुटिया के कितने भाग हैं, 2, 3, 5 या 4। तो हमने पढ़ा था कि बापू की कुटिया के 3 भाग हैं। तो इस प्रकार से ये जो है एमसीक्यू ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट है इसके एक एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर। एक एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर में हमें 1 सेंटेंस में आंसर देना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लेखक ने विश्व वंद्य व्यक्ति किसे कहा है। लेखक यानी राम वृक्ष बेनीपुरी ने विश्ववंद्य, विश्व में पूजे व जाने वाले व्यक्ति किसे कहा है। तो हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी विश्ववंद्य है, विश्ववंद्य यानी विश्व में पूजे जाने वाले हैं। तो लेखक ने गांधी जी को विश्ववंद्य व्यक्ति कहा है। यहाँ विश्ववद ने विश्ववंद्य व्यक्ति गांधी जी को कहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था। तो बापू का बिस्तरा खजूर की चटाई, एक गद्दा और खादी से निर्मित था। थर्ड क्वेश्चन है, बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं। बापू के 3 बंदर थे जो हमें उनकी कुटिया में देखने को मिले थे, जिसमें से एक की आंखें बंद थी, दूसरे के कान और तीसरे की जुबान यानी मुंह। तो ये इशारे से क्या कहना चाह रहे हैं। तो बापू के तीनों बंदर इशारे से कह रहे हैं कि आंखें, कान और जुबान बंद करके आत्मस्थ होकर देखो तो लगेगा कि बापू यहीं हैं। अपनी आंखें, कान और जुबान बंद करके आत्मस्थ मतलब आत्मा में स्थित एहसास करो, महसूस करो, तो लगेगा आपको कि बापू यानी महात्मा गांधी यहीं पर हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया।
हिंदुत्व के नाम पर बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे ने अनर्थ किया। नाथूराम गोडसे ने ही महात्मा गांधी की हत्या भी की थी। थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? तो थक जाने पर बापू एक बड़े तकिए के सहारे बैठते थे। सिक्स क्वेश्चन है, अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था? तो अंतिम दिनों में हमने पढ़ा भी था कि अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृत कौर किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 2 से 3 वाक्यों में इसके आंसर हमें बताने हैं, जो एग्जाम में 2-3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 2 मार्क के जनरली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अपने आप को दुर्भागी क्यों समझते हैं? तो हमने ये पढ़ा भी था कि लेखक महात्मा गांधी से नहीं मिल पाए थे, इसीलिए वो खुद को दुर्भागी समझ रहे थे। लेखक बापू के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे, वो बापू के साथ में महात्मा गांधी के साथ में कार्य करने लगे थे। पढ़ाई छोड़कर अपना पूरा जीवन देश की आजादी के प्रति समर्पित कर दिया था। पढ़ाई छोड़कर यानी राम वृक्ष बेनीपुरी ने पढ़ाई को छोड़कर अपना पूरा जीवन देश को आजाद कराने के प्रति समर्पित कर दिया था, पूरा जीवन उसी में लगा दिया था। इसके लिए कई बार उन्हें संकटों का सामना भी करना पड़ा। अब देश को आजाद कराने में बहुत सारे नेताओं ने साथ दिया था, जिनमें उनको संकटों का समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। हमें आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली, इसमें बहुत से लोगों का संघर्ष है और उन्होंने बहुत सारे संकटों का सामना भी किया, तो लेखक को भी बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा था। बापू के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। वह बापू के जीवन काल में वे उनके आवास पर पहुंचकर उनके दर्शन न कर सके। लेखक इसके लिए अपने आप को दुर्भागी समझते हैं। बापू के लिए उनके मन में, लेखक के मन में अपार श्रद्धा थी। वो बहुत पूजते थे बापू को और उन्हें वो अपने आप को इसी बात के लिए दुर्भागी समझते हैं कि जब तक बापू जिंदा थे तब तक वे उनके आवास पर उनसे मिल न सके, उनके दर्शन न कर सके, इसीलिए वो खुद को दुर्भागी समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों पर बापू कहा है? लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा है? यहाँ पर और बापू ये नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ ये क्वेश्चन होगा कि लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा है। आंसर है, लेखक के अनुसार यो तो गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया था, पर इस सादगी में भी वह महान है। इतना सिंपल होने के बाद भी महान क्यों है? क्योंकि वह बड़े बड़े रत्न जड़ित सिंहासनों से भी बड़ा सिंहासन है, क्योंकि उस बिस्तर को अपने ऊपर उस बड़े आदमी उस महापुरुषों को दिनों महीनों वर्षों आसीन कराने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसके दर्शन को लोग तरसते थे, इसलिए लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली कहा है। इसमें गांधी जी के बिस्तरे को, जो कि खजूर की चटाई से बना था, एक गद्दा था और खादी से ढककर बनाया गया था, ये बहुत ही सिंपल था, सादगी इसमें था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही महान था। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े रत्न जड़ित सिंहासनों से भी इसको ज्यादा महान कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े आदमी आकर दिनों महीनों वर्षों तक आसीन होने का गौरव उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये गद्दे जो गांधी जी का बिस्तरा था
वो बहुत ही गौरवशाली है क्योंकि उसने महान महान व्यक्तियों को अपने ऊपर आसीन करवाया था, जिनके दर्शन को यानी गांधी जी के दर्शन को भी लोग कैसे तरसते थे। तो इसीलिए लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली कहा है। थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी के शेल्फ में कौन कौन सी पुस्तकें थी? गांधी जी उदार विचारधारा और सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखने वाले महापुरुष थे। गांधी जी बहुत ही सिंपल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति और सब पे दया रखने वाले और सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाले, सबका आदर करने वाले महान पुरुष थे। उनके सेल्फ में तरह तरह की पुस्तकें थी, अनेक प्रकार की पुस्तकें थी। उसमें जहाँ रिथिकिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म जैसी पुस्तकें थी, वहीं रामचरितमानस, गीता आणि गीताई जैसी पुस्तकें भी थी। इसके अलावा श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली तथा सार्थ गुजराती जोड़िनी कोश जैसी पुस्तकें भी उनकी उनके सेल्फ में थी। तो कितनी सारी पुस्तकें जो कि अलग अलग धर्म की भी है, उनके शेल्फ में रखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम की स्मृति ने लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया था? तो बापू की कुटिया में लेखक अपनी कल्पना में बापू को अपने बिस्तरे पर बैठे हुए, यरवदा चक्र घुमाते हुए तथा अन्य कार्य करते हुए देखते हैं। तभी लेखक की नजर दीवार पर उभरे हे राम शब्द पर पड़ती है। वे एकाएक कल्पना लोक से उठकर ऐसी कठोर चट्टान पर पटक दिए जाते हैं जहां हे राम शब्द ने उन्हें बापू के अपने बीच न होने का एहसास करा दिया। उन्हें लगा कि बापू उनसे छीन लिए गए हैं। तो लेखक जब बापू की कुटिया में गए थे तो वो बापू को महसूस कर पा रहे थे। वो अपनी कल्पना में बापू को, अपनी सोच में बापू को बिस्तर में बैठा हुआ पा रहे थे, उन्हें यरवदा चक्र घुमाते हुए पा रहे थे और अन्य काम करते हुए देख रहे थे। ये उनकी कल्पना थी। लेकिन जब उनकी नजर दीवार पे लिखी हुई उभरे यानी दीवार पे लिखी हुई हे राम शब्द पर जब उनकी नजर पड़ती है तो वो जो सोच में थे कि बापू बिस्तरे पर बैठे उनको महसूस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस चीज से हटकर सच्चाई पे आ जाते हैं कि बापू अब उनके बीच में नहीं है। क्यों क्यों? क्योंकि बापू जब मरे थे तो उनके आखिरी शब्द भी यही थे, हे राम। तो ये हे राम पढ़ते ही उन्हें यह एहसास हो जाता है कि वो बापू अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें लगा कि बापू उनसे छीन लिए गए हैं। यही सोचकर इसी स्मृति ने लेखक को कठोर चट्टान पर पटक दिया। तो इस प्रकार से ये बापू की कुटिया में चैप्टर का अभ्यास कार्य का पार्ट वन समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जैसे एमसीक्यू एक वाक्य वाले और दो तीन वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।